प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM की एक स्टडी में पाया है कि 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। मतलब देश में 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक धर्म वाले हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इस स्टडी के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि इस अवधि में जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई है। 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। इस स्टडी के अनुसार 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, 2015 तक यह घटकर 78% हो गई है। इसी अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये रिपोर्ट अचानक से इस वक्त क्यों पब्लिश की गई, जब देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हर पार्टी खुद को जीतने के लिए नए नए दांव पेच खेल रही है। और ये रिपोर्ट जिस संस्था ने प्रकाशित की है उसका नाम है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ये संस्था सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जवाबदेह है। इस संस्था में शमिका रवि, अब्राहिम जोस और अपूर्व कुमार मिश्रा शामिल है। उन्होंने रिपोर्ट में साफ कहा है कि इंडिया हैज विटनेस्ड द बिगेस्ट डिक्लाइन इन द मेजॉरिटी पॉपुलेशन, दैट इज 7.82%। इस रिपोर्ट के आने के बाद अपोजिशन पार्टी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रही है कि यह रिपोर्ट इलेक्शन से एन वक्त पहले इसीलिए लाई गई है ताकि माहौल को गरमाया जा सके और बहुसंख्यक आबादी को यह बताया जा सके कि देश में उनकी आबादी कितनी तेजी से घट रही है। कई कांग्रेसी नेताओं ने तो इस रिपोर्ट को सरेआम गलत बता दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस रिपोर्ट में सिर्फ ये दिखाया गया है कि 2015 तक मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, जबकि हिंदुओं की आबादी घट गई है। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में वोटों को पोलराइज किया जा सके। जबकि इस रिपोर्ट के आने के बाद से भाजपा पूरी तरह से अपोजिशन पर हमलावर हो गई है। उनके बहुत से भाजपा नेता अपने भाषणों में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या 8% तक कम हो गई है, जबकि मुसलमान की जनसंख्या डबल हो गई है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 1950 में हिंदुओं की जो आबादी 84% थी, 2015 में वो महज 78% रह गई है, जबकि मुसलमान की जनसंख्या में 43% का उछाल आया है। जबकि मुसलमान की जनसंख्या जो 1950 में भारत की कुल जनसंख्या का 9.84% थी, वो 2015 में 14.09% हो गई है। बीजेपी वालों का कहना है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जो पॉलिसी अपनाई और जो रूल रेगुलेशन बनाए उसके जरिए मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल पाया था जिससे वो आसानी से फल फूल सके, उनको ऐसी सुविधाएं दी गई थीं जिससे उनकी आबादी तेजी से बढ़ सके, जबकि हिंदुओं के लिए ऐसा कोई कानून या पॉलिसी नहीं बनाई गई थी। उनके साथ अन्याय हुआ है जिस वजह से हिंदुओं की आबादी लगातार घटती चली गई। ये सब इल्जाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। जो भी हो, इस रिपोर्ट के आने के बाद से दोनों पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इलेक्शन में होने वाले असली मुद्दों को भुलाया जा रहा है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो या देश के विकास के लिए। हालांकि इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 167 देशों का अध्ययन किया गया है। स्टडी के लेखकों का कहना है दुनिया के ट्रेंड को देखते हुए भारत में एक स्थिरता पाई गई है। लेखकों का कहना है डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि उनकी जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत में जहां बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या घटी है तो पड़ोसी देशों की आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश में बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों की सबसे ज्यादा 18.5% आबादी बढ़ी है, उसके बाद पाकिस्तान में 3.75% और अफगानिस्तान में 0.29% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। भारत के पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार की जनसंख्या में बहुसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी में सबसे अधिक गिरावट देखी गई। म्यांमार में थेरवाद बौद्धों की बहुसंख्यक आबादी 65 वर्षों में 10% कम हो गई। भारत और म्यांमार के अलावा नेपाल की बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 3.6% की गिरावट देखी गई है। मालदीव में बहुसंख्यक समुदाय
की हिस्सेदारी में 1.47% की गिरावट आई है। हालांकि मई 2024 की स्टडी के अनुसार बहुसंख्यक बौद्ध आबादी वाले भारत के पड़ोसी देश भूटान और श्रीलंका में भी 17.6% और 5.25% की बढ़ोतरी देखी गई। स्टडी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों और कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों की जनसंख्या में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में भारत की तुलना में ज्यादा गिरावट देखी गई है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। जिस रफ्तार से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2070 तक इस्लाम मानने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और ये ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2060 तक पूरी दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी 2015 के मुकाबले 70% बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया में 3 बिलियन के आसपास मुसलमान होंगे, जबकि 2015 में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 1.8 बिलियन थी। साल 2010 में मुस्लिम आबादी वाले देशों में इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत टॉप 3 में शामिल थे। प्यू रिसर्च के मुताबिक साल 2030 तक इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। यही रफ्तार रही तो 2050 तक पाकिस्तान भी पीछे छूट जाएगा और पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम होंगे। हालांकि तब भी भारत में सर्वाधिक आबादी हिंदुओं की ही होगी। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में साल 2030 तक 2010 के 2.6 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन के मुकाबले 6.2 मिलियन मुस्लिम आबादी होगी। प्यू रिसर्च का अनुमान है कि 2030 तक अमेरिका में कुल मुस्लिम आबादी वहां की कुल आबादी की 1.7% होगी, जबकि 2050 तक यूएसए में प्रत्येक 50 में से एक शख्स मुसलमान होगा। वहीं कनाडा में 2030 में 2010 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मुस्लिम आबादी हो जाएगी। जहां 2010 में कनाडा में कुल 9.4 लाख मुसलमान हुआ करते थे, वहीं अनुमान है कि 2030 में इनकी संख्या 27 लाख के। क्यों बढ़ रही है मुस्लिम आबादी? पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे तेजी से बढ़ने के पीछे कई फैक्टर हैं, जैसे कि हाल के सालों में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर में भले ही गिरावट आई है, इसके बावजूद मुस्लिम बहुल देशों की महिलाएं गैर मुस्लिम देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। दूसरा, चूंकि पहले मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर कहीं ज्यादा थी, ऐसे में तब जो बच्चे पैदा हुए थे अब उनमें से ज्यादातर नौजवान हैं और शादी की उम्र अथवा पेरेंट्स बनने की कगार पर हैं। मुस्लिम देशों में गैर मुस्लिम देशों के मुकाबले जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून बहुत ढीले हैं। वहीं एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म में शामिल हो रहे हैं। ब्रिटेन प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल यूरोप में तकरीबन 30,000 से 40,000 लोग इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, जबकि अमेरिका में 20,000 से 30,000 लोग प्रति साल इस्लाम धर्म में शामिल हो जाते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, ये बात थी मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी की, लेकिन अगर बात करें पूरी दुनिया की आबादी की तो सन 2050 तक ये 9.7 बिलियन यानी 970 करोड़ हो जाएगी और भारत की आबादी लगभग 1.7 बिलियन यानी 170 करोड़ हो जाएगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी आबादी इस दुनिया में सरवाइव कैसे करेगी, जबकि आप और हम अपने देश और दुनिया के हालात को अच्छे से जान रहे हैं। आज हर बड़े डेवलप शहर में पानी की कमी महसूस हो रही है, चाहे वो बैंगलोर हो, चेन्नई हो, हर जगह पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो इनको भी पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अन्य खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं आज के समय में ही हमारी धरती में जो बचे हुए मीठे पानी के स्रोत हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी की वजह से खेतीबाड़ी की जमीनों में कमी हो रही है, जिससे फसल उगाना मुश्किल हो जाएगा। सड़कों पर लगातार बढ़ते वाहनों की वजह से अंधाधुंध फैक्ट्री में उत्पादन होने की वजह से डीजल और पेट्रोल जैसे ऊर्जा के स्रोत तेजी से खत्म हो रहे हैं, तो फिर हमारी आने वाली जनरेशन कैसे सर्वाइव करेगी? उनकी रोजमर्रा की जरूरत को कैसे पूरा किया जाएगा? ये सब सवाल वाकई में बहुत डरा देने वाले हैं कि आखिर तब क्या होगा जब दुनिया में आबादी आज के मुकाबले डबल हो जाएगी।